तो चलिए जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं आइसक्रीम बर्फी। सबसे पहले हम एक बाउल में 2 कप मिल्क पाउडर लेंगे। आपने सिर्फ मिल्क पाउडर ही यूज़ करना है, डेरी वाइटनर यूज़ नहीं करेंगे। डेरी वाइटनर सिर्फ चाय और कॉफ़ी में यूज़ किया जाता है, इससे बर्फ़ी अच्छी नहीं बनती, इस तरह के शैशे में आता है। और स्कीम्ड मिल्क पाउडर ही यूज़ करेंगे और ये इस तरह के पैकेट में मिलता है। इसे आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, ये बहुत सारी कंपनी का मिलता है। अब हम मिल्क पाउडर में 1/2 कप देसी घी ऐड करेंगे। हमने उसी कटोरी से देसी घी मेज़र किया है जिससे हमने मिल्क पाउडर मेज़र किया था। आपने सभी इंग्रेडिएंट्स एक ही बर्तन से मेज़र करने हैं तो आपकी परफेक्ट बर्फी बनकर आएगी। अब हम इसमें एक गड्ढा बनाएंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा करके देसी घी ऐड करते जाएंगे। आपने 3-4 बार में इसमें देसी घी ऐड करना है, एक ही बार में आपने घी नहीं डालना है। और इसको लगातार चम्मच से चलाते जाएंगे। तो देखिए हमने सारा देसी घी इसमें ऐड कर दिया है और ये इस तरह का क्रम्बली टेक्सचर का हमारा मिल्क पाउडर बन जाएगा। अब हम इसमें 1 कप मिल्क ऐड करेंगे। मिल्क भी आपने एक बार में ही ऐड नहीं करना है, इसको हम 3-4 बार में ऐड करेंगे। इसलिए इसमें थोड़ा सा कई बार कम या ज़्यादा मिल्क भी यूज़ हो सकता है और इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की ठीक रहेगी। अब इसको 15 मिनट के लिए ऐसे ही रेस्ट के लिए छोड़ देंगे ताकि सभी इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब एक कढ़ाई लेंगे और इसमें 1/2 कप चीनी डालेंगे। चीनी हमने उसी कप से नापी है जिस कप से हमने मिल्क पाउडर लिया था और इसमें 1/2 कप ही हम पानी यूज़ करेंगे। चीनी और पानी की मात्रा इक्वल रहेगी और इसको लो मीडियम फ्लेम पर अच्छे से चलाते हुए पका लेंगे और इस तरह से इसका गाढ़ा घोल तैयार कर लेंगे। हमने इसको कोई भी तार की चाशनी नहीं बनानी है, सिर्फ इसका एक गाढ़ा घोल तैयार करेंगे। तो देखिए हमारी चाशनी बनकर रेडी है और इस तरह से हाथों के बीच में इसको लगाकर देखेंगे तो ये इस तरह से थोड़ा सा चिपचिपा लगेगा लेकिन कोई भी तार की चाशनी नहीं बनेगी। अब हम चाशनी में ही हमारे दूध का जो हमने घोल तैयार किया था वो डालेंगे। इसको हमने लो मीडियम फ्लेम पर अच्छे से घोल लेना है चाशनी में और उसके बाद हम इसे पकाएंगे। तो देखिए हमारा दूध अच्छे से चाशनी में घुल चुका है। इसको हमने लगातार चलाते हुए 5 से 7 मिनट के लिए इसको पका लेंगे या इसे गाढ़ा हो जाने तक हम इसे पका लेंगे। ये देखिए दूध हमारा थोड़ा सा गाढ़ा हो चुका है। अब हम इसमें फ्लेवर लाने के लिए 2 से 3 ड्रॉप्स वनीला एसेंस के डालेंगे। क्योंकि हम आइसक्रीम बर्फी बना रहे हैं इसलिए हमने इसमें वनीला एसेंस डाला है। अब इसमें हम 1 टीस्पून ग्लूकोन डी या ग्लूकोज डालेंगे। आप कोई भी कंपनी का ले सकते हैं। इसको हम 1 टीस्पून यूज़ करेंगे। इससे क्या होगा, हमारी जो बर्फ़ी है वो बहुत ही दानेदार बनेगी और बिल्कुल मार्केट के जैसी बनेगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये हमने सूखे मिल्क से बनाई है। ये देखिए हमारी बर्फी का मिश्रण अच्छे से गाढ़ा हो चुका है। ये बन गया है कि नहीं इसे चेक करने के लिए हम थोड़ा सा मिश्रण ऐसे लेंगे और इसकी इस तरह से गोली बनाकर देखेंगे। अगर ये हाथ से नहीं चिपक रही है तो इसका मतलब है कि हमारी बर्फी बनकर रेडी है। अब हम फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हम कोई भी कंटेनर या प्लेट लेंगे बर्फी को जमाने के लिए और उसमें बटर पेपर लगाएंगे। अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो आप इसको सिर्फ ऑयल से भी ग्रीस कर सकती हैं और इसके ऊपर ऐसे पिस्ता स्प्रिंकल कर लेंगे। आप पिस्ता की जगह कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकती हैं। अब हम बर्फी का मिश्रण इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। तो देखिए ऐसे स्पैचुला या किसी भी कटोरी की हेल्प से इसको हम ऊपर से चपटा कर देंगे। बिल्कुल इसको हमने प्लेन कर देना है ऊपर से। तो देखिए हमने इसको बिल्कुल ऊपर से प्लेन कर दिया है। अब इसको हम 2 से 3 घंटे के लिए जमने के लिए रख देंगे या आप इसे ओवरनाइट भी रख सकते हैं या आप इसे फ्रिज में भी 1 घंटा रख सकते हैं।
तो देखिए 3 घंटे हो चुके हैं और हमारी बर्फ़ी अच्छी तरह से जम चुकी है। अब हम इसे डीमोल्ड करेंगे, क्योंकि हमने इसके नीचे बटर पेपर लगाया था तो इसलिए ये इजीली इससे मूव हो जाएगी। तो देखिए हमारी बर्फ़ी बनकर रेडी है। देखिए ये बिल्कुल लग रही है ना मार्केट के जैसी, ये देखने में ही कितनी टेस्टी लग रही है, मन करता है कि अभी खा जाऊं। तो अब हम इसको नाइफ की हेल्प से कट करेंगे। तो देखिए जब हम इसे कट कर रहे हैं तो ये कितनी इजीली और सॉफ्टली कट हो रही है, तो आप देखकर ही समझ सकते हैं ये कितनी सॉफ्ट बनी है। इसको हम बड़े या छोटे पीसेस किसी में भी, जो भी आपको अच्छा लगे कट कर सकते हैं। तो इसको मैं थोड़े से बड़े पीसेस में कट करूँगी। ये देखिए इसको मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ। तो अंदर से आप इसका टेक्सचर देखिए, कितना दानेदार इसका टेक्सचर बना है। ये हमारे ग्लूकोज डालने की वजह से बना है। तो फ्रेंड्स, इस त्यौहार आप घर पर ही बर्फ़ी बनाइए और इन्जॉय कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो मिलते हैं ऐसी ही और नई नई और टेस्टी सी रेसिपी के साथ। टिल देन, बाय बाय फ्रेंड्स।